हमारे साथ हैं मिस्टर दिनेश कुमार इंटर एयरवेंस ट्रेवल दिल्ली से। सर आप अभी अंडरवेंस के मेगा फैन ट्रिप पर तीन दिन से आप हमारे साथ हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? आप अभी जब आए हैं तो ऑलरेडी ये मानसून पीरियड शुरू हो चुका है, तो तीन दिन में आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या ये ड्यूरिंग मानसून एडवाइज है कि यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका क्या अनुभव है? पहले तो मैं रवि सिंह अंडमान एक्सपर्ट और माही सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पैन इंडिया के एक मेगा फैन शो का आयोजन किया। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने पूछा, ये एक मिथ है। लोग ऐसा कहते हैं कि मानसून के पीरियड में अंडमान नहीं आना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता हूँ। जिस दिन हम आए उस दिन बहुत तेज बारिश थी, बारिश के बाद फिर मौसम तेज हुआ, गर्म हुआ, धूप आई। आज हम सुबह निकले तो बहुत तेज़ बारिश थी, लेकिन उसके बाद जैसे हम नेचुरल बीच पर पहुँचे, मौसम बिल्कुल से एकदम से बदल गया। अब यहाँ पे आए, बहुत प्लेजेंट वेदर है, इतना अच्छा और इतना सुंदर एक मौसम है कि देखते लगता है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा वापस। अभी हम आए हैं लक्ष्मणपुर बीच पर कि जहाँ का सनसेट विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए लहरें उठती जा रही दोनों तरफ की, और यहाँ पे इधर देखो तो सभी पर सनसेट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, सूर्यास्त निकट आता जा रहा है, इस तट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही है और हमारे सामने क्लियर और इनक्लियर लहरें हैं, बहुत तेज़ी से आती जा रही हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको तो यही कहना चाहूँगा कि एक मिथ फैलाया हुआ है लोगों ने ट्रैवल करने की मानसून का जो वेदर है उसमें अंडमान नहीं आना चाहिए, पर मैं समझता हूँ कि मानसून इज़ द बेस्ट टाइम, सो यू कैन सी ऑल द वेदर्स हियर। थैंक यू वेरी मच।